गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, जैसे कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट या डायमेंशन, इसको देख करके आपको लग गया होगा कि आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टडी करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन स्टडी करेंगे। तो बात आती है कि ये डायमेंशंस है क्या। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैथ में क्वेश्चन दिए गए रहते थे कि कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन इस तरह लिखा हुआ रहता है, 20 cm × 10 cm इस तरह लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो हम अपने मन से समझ जाते थे कि इसका लेंथ जो है वो 20 cm है और ब्रेथ जो है वो कितना है, 10 cm है। यानी कि ये डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता था, जैसे इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ और ब्रेथ है उसका यूनिट क्या है, ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है, ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कितना होगा, इन बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करता था। कौन? डायमेंशंस। तो यही इसके डायमेंशन हो गए कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो जो पार्ट है वो क्या क्या है और कितने हैं, ठीक है। सेम टू सेम फिजिक्स में भी जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखे गए हैं, ये डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट क्वांटिटी के बारे में और उससे रिलेटेड यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसको डिफाइन करें तो लिख सकते हैं, देखिएगा डेफिनेशन से ध्यान से, द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड टू ऑबटेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यहां देखिए, यहां पर भी टू ऑबटेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से, डायमेंशंस की मदद से। दो फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगे, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम होगा तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। आगे पढ़ेंगे, पहले डायमेंशंस के बारे में जानें, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे हम, फिर डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में आज जानेंगे हम लोग, फिर जैसे होगा कुछ सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि डायमेंशंस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बताता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से क्वांटिटी हैं और वो कौन सा यूनिट रखे हुए हैं उसके बारे में ये डिनोट करता है, डिमोनस्ट्रेट करता है, बताता है। आगे समझ में। अब देखिए, हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज, अब देखिए, दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज सेवन डायमेंशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का ये सेवन डायमेंशंस हैं। यानी कि देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी होते हैं, सात फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं या सेवन फंडामेंटल यूनिट होते हैं। पता होगा कि देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट होते हैं, इसी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट को क्या कहा जाता है, known as seven dimensions of the world। अब seven fundamental quantity कौन कौन थे याद होगा आपको, एक था mass,
दूसरा था लेंथ, तीसरा थर्ड में टाइम लिख सकते हैं, फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ में टेम्परेचर, याद होगा आपको टेम्परेचर, सिक्स्थ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ में और लास्ट में क्या था, सेवेंथ में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़े इससे रिलेटेड और आगे पढ़े हम, नोट कीजिए इसको। मिटाए बच्चों, देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और उसी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, सेवन फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया के जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशंस इसी सेवन फंडामेंटल डायमेंशंस से होता है। ओके, इसी सेवन फंडामेंटल डायमेंशन से होता है, यानी कि दुनिया के जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट इसी सेवन फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी में से शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे शामिल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी थे, कौन कौन था, एक था मास, दूसरा था लेंथ, थर्ड में लिख सकते हैं टाइम, फोर्थ में टेम्परेचर, नंबर इधर उधर हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए मास को का यूनिट क्या था, मास का यूनिट मीटर, लेंथ सॉरी, अब देखिए मास का यूनिट क्या था, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, जिसको टाइम का यूनिट सेकंड था, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन था, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल था, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला था, जिसको सीडी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अब मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है, इसको एक स्क्वायरल ब्रैकेट से कवर करते हैं, यानी कि डायमेंशंस इज डिनोटेड बाय अ स्क्वायर टाइप ब्रैकेट, स्क्वायर टाइप ब्रैकेट। अच्छा, लेंथ का मीटर, तो लेंथ को हम कैपिटल एल लिखेंगे, ध्यान से लिखते चलिएगा। टाइम को हम कैपिटल टी लिखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर को हम कैपिटल के लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को कैपिटल ए लिखेंगे, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एमओएल मोल लिखेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला को हम क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन फंडामेंटल थे। अब इस पर क्वेश्चन बनाए कैसे, ये तो नोट हो गया अच्छे से कि ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है, और ये क्या है, उसके डायमेंशंस हैं। यहां पर लिख सकते हैं ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है इसका, और ये क्या है, इसको हम डायमेंशंस कहेंगे, ये इसका डायमेंशन है, नोट कर लिया गया। अब डायमेंशंस कैलकुलेट कैसे करना शुरू करें इसके बारे में देखिए कि डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट करें। यस करें से बाबू, देखिए डायमेंशंस कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है,
बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें निकालना है डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि डिस्टेंस है क्या। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट पहले लिख दीजिए क्या है, मीटर। और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो कैपिटल एल से इसको डिनोट कर देंगे। अब लेंथ इसमें कितना है, तो कैपिटल एल वन है। इसमें मास नहीं है और टाइम नहीं है, तो मास और टाइम को जीरो फॉर्म में डाल देंगे, एम जीरो एल वन टी जीरो। और ये हो गया डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का निकालें, ध्यान से देखते चलिएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। और मीटर किसका यूनिट होता है, तो लेंथ का। तो एल लिख दिए, ठीक है, इसके ऊपर वन। अब देखिए इसमें भी मास जीरो है, लेंथ वन है, और टी कितना है, जीरो है, इसको भी हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हमको एरिया का निकालना हो, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड यानी कि लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर। साइड यानी कि लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि आप मीटर स्क्वायर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट ही यहां पर लिखेंगे। सो अभी जस्ट बताएंगे। अब मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर हो गया, और लेंथ का स्क्वायर इसमें कितना है, मास जीरो है, लेंथ दो के पावर में है, और टाइम यहां जीरो के पावर में है, ठीक है। अब देखिए एरिया के बाद लिख सकते हैं, अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट आपको पता होगा एम क्यूब, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब, एल क्यूब कर दिए। एल क्यूब में एम जीरो है, एल थ्री है, और टी कितना है, जीरो है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर हम स्पीड का निकालें, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर यानी कि लेंथ, और नीचे सेकेंड यानी कि टाइम। तो एल बाई टी यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर टी को ऊपर भेजते हैं, तो एल टी माइनस वन, यहां पर ये वन के फॉर्म में ऊपर गया था, माइनस के फॉर्म में हो गया। एल कितना है, वन है। इसमें मास कितने हैं, जीरो है, तो लिख देंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, और इस तरह से स्पीड का भी निकल दिया। अब अगर हम वेलोसिटी का निकालें, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम हो जाएगा, एल वन बाई टी वन लिख देंगे, फिर यहां पर एल वन टी माइनस वन लिख देंगे। इसमें मास कितना है, जीरो है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन यहां पर लिख देंगे हम, और इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। किसका किसका, डिस्टेंस का हमने निकाल लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का बता दिया, एरिया का बता दिया हमने, वॉल्यूम का बता दिया, स्पीड का बता दिया हमने, वेलोसिटी का भी बता दिया हमने। मिटाए इसको और आगे बढ़े कुछ, ठीक है भाई, मिटाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, अभी पढ़ते चलेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे हम लोग कि डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट कैसे कैलकुलेट करें। डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सारी बातें जानेंगे हम। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब चलते हैं मास पर, कि मास का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का यूनिट पहले लिख दीजिए केजी, और जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला का जो मैंने सेवन फंडामेंटल डायमेंशंस जो कॉपी में लिखवाए हैं, अभी जस्ट मैंने बताया है, उसमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम होता है। कौन सा एम, कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम लिख दिया। अब इसमें लेंथ कितना है, सॉरी, अब इसमें मास कितना हो गया, मास कुछ नहीं है तो वन के रूप में है, मतलब कि मास का नोटेशन, पावर नोटेशन कुछ नहीं है तो वन के रूप में है, वन हो गया।
एम वन, लेंथ कितना है जीरो और टाइम कितना है जीरो, तो एम वन एल जीरो टी जीरो हो गया। अब देखिए, अब अगर हम डेंसिटी का निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान से देखना, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होता है, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। केजी को डिनोट किया जाएगा कैपिटल एम से, कैपिटल एम से डिनोट किया गया, और बाई मीटर क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब डिनोट किया गया। अब एल को ऊपर ले जाते हैं तो एम एल माइनस थ्री यहां पर हमने लिख दिया, और एम एल तो है, एम कितना के रूप में है, वन के रूप में है, एल ऊपर जाने पर माइनस थ्री के रूप में है, और टी इसमें कितने हैं जीरो हैं, तो एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब चलिए देखते हैं हम लोग फोर्स के बारे में, फोर्स, तो फोर्स का पहले जेनविन फॉर्मूला लिखते हैं, मास इंटू, क्या जेनविन फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब केजी यहां पर हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब केजी यानी कि मास एम, यहां मीटर यानी कि लेंथ, और नीचे कितना है सेकेंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। अब ऊपर अगर भेजे हम तो लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम कितना के फॉर्म में है, इसमें मास वन के फॉर्म में है, एल वन के फॉर्म में है, और टी किसके फॉर्म में है माइनस टू के फॉर्म में है। देखिए इसको अगर वर्ड में कोई लिखना लिखने के लिए बोले तो हम बोल सकते हैं फोर्स हैज डायमेंशन विथ मास वन, विथ मास वन, लेंथ वन एंड टाइम टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एंड टाइम, फोर्स हैज डायमेंशंस विथ मास वन, मास वन है, लेंथ वन, लेंथ वन के पावर नोटेशन में है, एंड टाइम कितना है, टाइम माइनस टू के रूप में है, तो ऊपर जाके कितना, ये माइनस टू के रूप में है, तो यहां पर हम लिख दिया टाइम किसके फॉर्म में, माइनस टू के फॉर्म में, यहां पर लिख दीजिए टाइम माइनस टू के फॉर्म में है, टाइम किसके फॉर्म में है, टाइम माइनस टू के फॉर्म में है। ओके बच्चों मिटाएं और देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे बन रहा है इसको, बहुत आसान है बनाना इसको, डायमेंशन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, उसका यूनिट लिख दीजिए, अब यूनिट का डायमेंशन लिख दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे चलिए देखते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बारे में पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का भी जब जस्ट डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया है कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी का डायमेंशन एम, मास एम, इनटू मीटर का डायमेंशन लेंथ, मीटर की लेंथ है तो एल, और बाय सेकेंड स्क्वायर का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो गया। सबका हमने डायमेंशन अलग अलग लिख दिया, अब सबको एक साथ करते हैं डायमेंशन सबको एक साथ, तो एम एल और टी स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो जाएगा टी माइनस टू के रूप में हो गया, तो एम वन एल वन और टी माइनस टू, डायरेक्ट इस फोर्स का वैल्यू यहां रख दीजिए या फिर कैलकुलेट कर लीजिए जैसा हो आपको। अगर ये वैल्यू रखे हम तो एम वन एल वन टी माइनस टू और बाई एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, यहां हो गया। अब देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू और ये एल टू जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू हो गया, एक साथ कर दिया हमने। अब लाइक टर्म को ढूंढ लेते हैं, एम वन एल वन और एल माइनस टू, तो जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो माइनस टू और प्लस वन, एल पर माइनस वन हो गया और टी कितना हो गया माइनस टू हो गया, ये प्रेशर का यूनिट हो गया। अब जनरल फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखिए, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया को एरिया रहने दीजिए,
मास यानी कि केजी बाय एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर और इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, हमारे पास बच गया केजी बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। केजी यानी कि कैपिटल एल, मीटर यानी कि एल और सेकंड टी स्क्वायर, ऊपर भेजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर भेजने पर एम वन एल वन और टी कितना माइनस टू, सेम आ गया दोनों, तो किसी प्रोसेस से बनाइए दोनों बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे, ये तो किसका हो गया प्रेशर का निकल गया, अब देखते हैं हम लोग किसका पावर का, पावर और वर्क का हम लोग देखेंगे अभी। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बहुत सारे निकालने बाकी हैं, आज तो इसी में टाइम लैप्स हो जाएगा, एक दिन का और क्लास लगेगा, एक दिन का और क्लास होगा तब जाकर के डायमेंशंस खत्म होंगे। अब देखिए हम देखते हैं पहले वर्क का, वर्क यानी कि एनर्जी का, तो वर्क का देखते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो न्यूटन का होता है कितना होगा, कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिए फिर से, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी का एम मीटर लेंथ, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके माइनस टू हो गया, तो मल्टी माइनस टू तो रख देंगे एम एल टी माइनस टू, और मीटर यहां पर क्या है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि ये मीटर है, कैपिटल एम मत समझे, मीटर मीटर यानी कि एल लेंथ, अब इसको एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख सकते हैं वर्क का। अगर एनर्जी क्या निकाले हम, एनर्जी का एक फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला से एनर्जी इज इक्वल टू एमजी एच से अगर निकाले तो मास का केजी, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू हाइट यानी कि मीटर। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए केजी यानी कि कैपिटल एम इनटू, ये मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ है तो एल बाय सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर इनटू क्या है ये हाइट है मीटर यानी कि एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वन यहां दे दीजिए तो एल स्क्वायर टी माइनस टू देख लीजिए, एम एल एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहां पर एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब यहां पर अगर हम पावर का निकालें, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम होता है, फॉर्मूला जानते होंगे, आप घबराना मत कि सर फॉर्मूला, आप ऐसा कुछ फॉर्मूला भी लिख रहे हैं जो हमें नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आगे के चैप्टर में हम लोग इन सारे फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे, इन सारे फॉर्मूलों को जानेंगे, फिलहाल जान लीजिए कि फॉर्मूला अगर पता होता तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान होता। ठीक है ना, चलिए देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क का अभी हमने जस्ट निकाला कि एम वन एल स्क्वायर और टी माइनस टू और बाय नीचे कितना है टाइम है एक सिंगल टी, अब t के ऊपर 1 तो m1 l स्क्वायर ये t1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा t माइनस 3, किसका निकल गया ये पावर का क्या निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, ये एनर्जी का था, ये वाला एनर्जी का था और ये वाला किसका है पावर का, सिंपल पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क का हमने रख दिया यहां पर m1 l2 t माइनस 2, अब m1 l2 t माइनस 2 पहले से था और डिवाइड में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं घट जाते हैं, तो माइनस टू और माइनस वन कितना हो गया माइनस थ्री हो गया, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री लिख सकते हैं। अब देखिए मिटाएं, अभी बहुत बाकी है इसमें, एक दिन का और क्लास इसमें लगेगा तब जाके डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट होगा, फिलहाल हम लोग देखे हैं जितना हो सकता है उतना देखें फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है, जैसे कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। देखिए पहला, सबसे पहले देखते हैं हम लोग
एंगल के बारे में, एंगल थीटा के बारे में। देखिए बाबू, मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और 2 कौन सा क्वांटिटी होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कौन कौन आता है, एक 2D के रूप में आता है, एक 3D के रूप में आता है, ठीक है ना। एक किसके रूप में आता है, 2D के रूप में आता है, एक 3D के रूप में आता है। 2D के रूप में आते हैं उसको रेडियन कहते हैं, और इसको इसका नाम दिया जाता है प्लेन एंगल। और जो 3D के रूप में आते हैं उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और ये किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल होता है। जैसे कि मान गए कि ऊपर कोई चीज घूम रहा है छत में, जैसे कि पंखा ही कुछ घूम रहा है, उसको अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से हमने जो उस पर एंगल बनाया वो कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा 3D के लिए। लेकिन पेज पे एक सर्कल बना करके उस सर्कल को अगर हम देखें तो 2D फिगर है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, प्लेन एंगल हो जाएगा। अगर मान लिया यहां से खड़ा होकर हम दीवार को देख रहे हैं काफी दूर हो जाकर के, या फिर दीवार पर लगे इस बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है ना, दीवार पर लगे इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो बोर्ड पे चारों जो एंगल हर तरफ बन रहे हैं मेरे द्वारा, वो कौन सा एंगल हो जाएगा, 3D में जाएगा। उसको स्टेरेडियन बोलेंगे, यूनिट होगा स्टेरेडियन, और सॉलिड एंगल उसको कहा जाता है। तो बाद में जानेंगे, तो सबसे पहले यही उठाते हैं 2D के बारे में, एंगल निकालना थीटा। तो थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, L/R होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है आर्क बाई क्या होता है, रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है उसका, आर्क बाई रेडियस। अब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, और रेडियस, रेडियस भी क्या है, एक टाइप का लेंथ है, तो L/L कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कुछ नहीं, 1 बचा, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू बचा, जो कि डायमेंशन ही नहीं उसके पास, ठीक है। दूसरा देखिए, उसके बाद आता है मैच का एक टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा निकालते थे तो फॉर्मूला था P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ है, तो कैपिटल L, और नीचे हाइपोटेनस भी क्या है, एक लेंथ है, तो कैपिटल L, L से L कैंसिल, 1, नो डायमेंशन, इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है। एक और है फॉर्मूला जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, फॉर्मूला है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला या ऐसा यूनिट पता होना जरूरी है, फॉर्मूला पता होगा तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं और उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से। स्ट्रेस बराबर होता है चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे ओरिजिनल लेंथ L है, ओरिजिनल लेंथ L है, और लेंथ को चेंज किया गया डेल्टा L, फिर ओरिजिनल वॉल्यूम भी है और उसके वॉल्यूम को चेंज किया गया डेल्टा भी, तो दोनों कंडीशन में देखिएगा डायमेंशन लेस आएगा। इसका देखते हैं, इसका इधर देखते हैं, चेंज इन लेंथ, लेंथ यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला L, और नीचे लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला L, कट गया कुछ नहीं बचा। यहां पर देखते हैं इसके बारे में डेल्टा भी वही के बारे में, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और नीचे भी क्या है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है, इसका भी यूनिट मीटर क्यूब, कैंसिल, ये भी कुछ नहीं बचा। एक और टर्म है जिसको हम कह सकते हैं, एक और टर्म है जिसमें इसको मिटा लेते हैं, एक और टर्म है, टर्म तो बहुत है जो डायमेंशन लेस है। एक और देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी का अगर हम ये निकालें, डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तो मास बाई वॉल्यूम, मास का, मास को किस चीज से, मास का यूनिट केजी, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। केजी यानी कि कैपिटल M, और मीटर क्यूब यानी कि L क्यूब, आगे कितना ML-3, कितना हो गया ML-3, तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का ML-3, और बाई डेंसिटी ऑफ वाटर का, डेंसिटी किसी भी का हो उसका यूनिट क्या होगा, सेमी होगा, तो ML-3 और ML-3 कैंसिल, कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, रिलेटिव डेंसिटी भी 1 हो गया।
तो ये कौन से क्वांटिटी थे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मैंने बताया तीन, एक दो यहां पे बताया मैंने, थर्ड नंबर पे यहां पे बताया मैंने, और फोर्थ नंबर में यहां पर रिलेटिव डेंसिटी बताया हमने, फोर्थ नंबर में यहां पर रिलेटिव डेंसिटी बताया हमने। अब देखिए कुछ थर्मल हीट से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड क्वांटिटी जिनका यूनिट जिनका डायमेंशन कैलकुलेट हमें करना है हीट से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हीट निकालेंगे, हीट से रिलेटेड हो और हीट ही कैलकुलेट ना करें तो क्या फायदा उससे। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, हीट का निकालते हैं, ठीक है ना, हीट। तो हीट क्या है, एक टाइप का एनर्जी है, और एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट रहने दिए। अब देखिए मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड क्या है, डिस्टेंस है यानी कि मीटर। अब ऊपर सॉल्व करें तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, सब अब डायमेंशनल वैल्यू रखते हैं, केजी का क्या होता है डायमेंशन फॉर वैल्यू, केजी का याद होगा एम मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर और बाय टी स्क्वायर, यहां पर एम वन देते हैं, अब एम वन एल स्क्वायर टी स्क्वायर को ऊपर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, टी माइनस टू हो गया, निकल गया किसका, हीट का निकल गया, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है ना, पहला हीट का। दूसरा देखते हैं हम लोग लैटेंट हीट का, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट का फॉर्मूला किसी को पता होगा, फॉर्मूला होता है हीट बाय मास। अभी हीट का हमने कैलकुलेट किया एम वन एल स्क्वायर टी कितना माइनस टू, और बाय मास का यूनिट केजी, और केजी का डायमेंशन कैपिटल एम, एम से एम कैंसिल, बच गया हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसमें एम कितना है तो एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन निकल गया, ये डायमेंशन निकल गया किसका, लैटेंट हीट का डायमेंशन निकल गया, हीट बाय मास। नोट कीजिए इसको बच्चों, फिर आगे बढ़े हम लोग, हाँ तो बच्चों मिटाएं, देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर आप केवल एन एल टी बता रहे हैं, बाकी टोटल फंडामेंटल तो सात थे, बाकी के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, केवल एम एल टी बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहां चला गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहां चला गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहां चला गया, तो ये सब चीजें छूटते जा रही है, तो उस पर भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे कि एक आगे फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला से मत घबराइएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आगे पढ़ने को मिलेगा, उसको पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, फिलहाल फॉर्मूला जान लें, पीवी बाई एन टी, जहां पी फॉर क्या होगा प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, और टी फॉर टेम्परेचर। ओके आ गया, और यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, तो सबसे पहले रफ में प्रेशर का निकाल लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स बाय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट याद कीजिए, पहले फॉर्मूला लिखिए मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया को एरिया रहने दीजिए, मास यानी कि केजी बाय एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब प्रेशर का हमने पहले निकाला था, इसको निकालना पड़ रहा है ताकि आपको सामने दिख सके, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो केजी मीटर माइनस वन, ये मीटर ऊपर जाएगा माइनस वन, और सेकंड पर माइनस टू, केजी यानी कि मास एम, मीटर यानी कि एल माइनस वन, और यहां पर टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, निकल गया किसका, किसका निकला प्रेशर, तो प्रेशर का ये रखते हैं हम लोग एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम, पहले हमने निकाला है वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब,
और बाय एन आ गया, एन बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल होता है, और टेम्परेचर का केल्विन होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मीटर ये क्या है आपका, ये मीटर है कि एम है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम वन सबका मैंने हटा दिया, सबका मैंने हटा दिया। अब देखिए ये एम वन एल माइनस वन और एल थ्री, तो एल टू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, टी माइनस टू बाई मोल इन टू केल्विन करके सबको ऊपर भेजिए, तो हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, के ऊपर जाकर वन के रूप में है और मोल पर भी माइनस वन। हार्ड लगा? हाँ हार्ड तो थोड़ा सा है ही, लंबा थोड़ा सा बड़ा सा है ही इसका फॉर्मूला, लेकिन डोंट वरी आगे आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ये कैसे आप बता रहे हैं, तो ये शुरू हुआ है पूरे बुक में जितने टॉपिक यूज किए जाएंगे, जितने टर्म यूज किए जाएंगे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा रहा है। और आप तो अभी फर्स्ट चैप्टर ही स्टडी कर रहे हैं, अभी तो सारे चैप्टर्स बाकी हैं, पूरा इलेवंथ बाकी है, अभी तो इलेवंथ शुरू हुआ है, आज सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर हो रहा है आज, तो बने रहिए देखते रहिए। यहां पर इसको नोट कीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला पी वी बाई एन टी, प्रेशर का हमने यहां से निकाला था एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू यहां पर रख दिया हमने, अच्छा वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब रख दिया, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, अब एम वन का एम वन लिख दिया हमने, एल माइनस वन का एल माइनस वन, और एल कितना है थ्री है, बेस से महत्ता पावर जुड़ जाएगा, तो थ्री और प्लस माइनस वन कितना हो गया, थ्री में से वन गया टू, यहां टू लिख दिए और टी माइनस टू, फिर नीचे देखिए मोल का मोल और केल्विन का के लिख दिए, अब एम वन एम वन एल टू एल टू टी माइनस टू टी माइनस टू, और केल्विन को हमने क्या किया ऊपर ले गए, तो केल्विन माइनस वन, और मोल को भी ऊपर लेके गए तो मोल माइनस वन। ठीक है मिटाएं इसको, उसके बाद एक और देखिए, मिटाने के बाद एक चीज और, सोलर कांस्टेंट। सर जी कैसा कैसा बात बोल रहे हैं सर, हम सुने ही नहीं आज तक, कैसा कैसा टर्म याद दिला रहे हो बाबू, आगे मिलेगा इससे भी खतरनाक टर्म मिलेंगे, ये चलते रहिए पढ़ते रहिए, लेकिन सबको इजी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट या सोलर कांस्टेंट जो बोलना है बोलिए, सोलर कांस्टेंट, ऐसे भी जो फिजिक्स पढ़ाते हैं या जो साइंस पढ़ाते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब ही रहता है, किसी वर्ड को बोलने में ग्रामेटिकल हम लोगों में एरर भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, हो सकता है कोई वर्ड छूट जाए, कोई सेंटेंस इधर उधर हो जाए, तो उससे घबराइएगा नहीं। फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। अब देखिए अब एनर्जी आ गया, एरिया भी आ गया, टाइम भी आ गया, सर फिर से एनर्जी का निकालना पड़ेगा, तो आप यहां से एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले किए थे, एनर्जी वर्क के इक्वल, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, फोर्स का क्या होता है यूनिट केजी मीटर, क्या होगा केजी मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट रहने दीजिए, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां डिस्टेंस मीटर, अब हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, केजी का कैपिटल एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर टी माइनस टू, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू किसका निकला एनर्जी का, वैल्यू पुट करते हैं एनर्जी में, एम वन कितना है एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, और इनटू टाइम टी। सॉल्व करते हैं एम वन एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये दोनों क्या डिवाइड में खत्म कर देते हैं इसे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, बच गया हमारे पास टी माइनस टू, और इसके ऊपर वन है, ऊपर जाके माइनस वन, तो एम वन इसको लिख सकते हैं एम वन टी माइनस थ्री, एम वन टी माइनस थ्री
यानी कि m1 l0 t माइनस थ्री, m1 l0 t माइनस थ्री आ गया, ये भी आ गया। मास लेंथ टाइम, इसमें इसमें मोल, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा जिसमें मोल का यूज हुआ। ऐसे ही ये सात फंडामेंटल क्वांटिटी जो आएंगे उसका मैंने जो ब्रैकेट दे करके जो डायमेंशंस लिखवाए हैं बस वही डायमेंशंस रख देने हैं। उसी सात फंडामेंटल डायमेंशंस से दुनिया के हर एक क्वांटिटी का यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करते हैं, इसके मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबा हो रहा है सर, छोड़ रहे जल्दी, बस एक दो और लास्ट टॉपिक पढ़ लें, एक लास्ट टॉपिक पढ़ लें, फिर उसके बाद से लास्ट टॉपिक क्या, अभी तो यही खत्म नहीं हुआ, डायमेंशन ही खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार डायमेंशन स्टडी करने होंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि चार्ज हो गया, वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका, चार्ज का, चार्ज q का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए रफ में इधर, I इज इक्वल टू q बाई टी, q इज इक्वल टू I इंटू टी। I का डायमेंशन कैपिटल A और टाइम तो टाइम ही है, तो a1 t1 आ गया किसका, I का q बाई टी, और यहां से q निकाले तो I इंटू टी। I का यूनिट, I का फॉर्मूला क्या है यहां पर, Q का फॉर्मूला क्या है यहां पर, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I का यूनिट एम्पियर और टाइम तो टाइम है ही, तो एम्पियर पर वन और टाइम पर भी वन, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में किसका, चार्ज का हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि सर वोल्टेज का बताओ, वोल्टेज का, तो आप क्या कीजिएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का निकल चुका है, आप लोग निकाल चुके हैं, वर्क यानी कि एनर्जी, चार्ज का मैंने अभी यहां निकाल दिया, बस आप रख के उसको सॉल्व कर दोगे। उसके बाद अगर कोई पूछे रेसिस्टेंस का निकालो, तो हम जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर और आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अभी यहां पर आप भी क्या कैलकुलेट करोगे, आई का एम्पियर होता ही है, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे वो भी निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले जो दो, ये जो दो फॉर्मूला है इसका डायमेंशन आप खुद निकाल करके रखिएगा, अगले क्लास में इसको इसका डायमेंशन हम बताएंगे ताकि आपको पता लग सके कि आपको बनाने आया कि नहीं आया, ठीक है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट कीजिए, दो तीन और दे दे रहा हूं, नोट कीजिए। तो बच्चों आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, क्या लेकर के, डायमेंशनल फॉर्मूला लेकर के। अभी इसमें और सारे बहुत सारे चीज पढ़ने हैं, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है, अभी डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे कि न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डायमेंशंस बदलेंगे या फिर सेम रहेगा, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डायमेंशंस बदलेगा या रहेगा, तो ये सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और जितना पढ़ाया गया उसके रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।